subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां ॾिसो पिया कुकिंग शो में, त सभु ख़ैर सां हूंदा। मज़ेदार रेसिपीज़ तव्हांजे लाइ खणी ईंदा आहियूं। शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु वाइटमिन ए डी ऐं सां भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा थ्री मौजूदु आहे। बनस्पति घी तमामु बहितरीन ऐं एनएक्स असां सां गॾु आहे। एनएक्स जी मशीनरी वठो, मार्केट में अवेलेबल आहिनि, जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर। अॼु मज़ेदार रेसिपी ठाहियूं पिया। हिकु त स्ट्रॉबेरी जो सीज़न आहे, त स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ठाहिणु सेखारियां पियो, स्ट्रॉबेरी खीर ठाहिणु सेखारी, स्ट्रॉबेरी जी ॿियूं बि रेसिपीज़ आहिनि, इनशाला नेक्स्ट वीक ठाहींदासीं। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ऐं हिन सां गॾु कंडेंस मिल्क जी फरमाइश हुई, त कंडेंस मिल्क ठहंदो, उहो खंडु बि विझी सघो था, कंडेंस मिल्क बि विझी सघो था। त कंडेंस मिल्क तव्हांखे ठाहिणु सेखारियां पियो। ऐं हुन सां गॾु असां ठाहियूं पिया चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला तमामु मज़ेदार ई रेसिपी, ॿई रेसिपी सुभाणे 12 वॻे रिपीट हलंदियूं। स्क्रीन ते नंबर हले पियो, का बि फरमाइश करणी हुजे, पुछणो हुजे, पुछी सघो था। अॼु की जो हम रेसिपी बनाएंगे शारजा कुकिंग ऑयल के साथ, वाइटामिन ए डी ई से भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 मौजूद है, बनस्पति घी बेहतरीन नई पैकिंग में दस्तियाब है, और आप एनएक्स ले सकती हैं, मार्केट में अवेलेबल है। डिफरेंट मशीनरी आपके सामने यूज़ करता हूँ किचन में। आज की हम रेसिपी बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, स्ट्रॉबेरी खीर बनाना सिखाई थी, स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी आई हुई, तो उसकी आइसक्रीम भी आज बनाते हैं, और ये तकरीबन 12 से 14 घंटे में जम जाती है अगर आप फ्रीज़र में रखते हैं तो। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और साथ ही कंडेंस मिल्क कैसे बनता है वो भी बनाना सिखा दूँगा, ताकि हम कंडेंस मिल्क स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में ही यूज़ करेंगे, आप और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाला ये रेसिपी डिफरेंट है, राइस के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ खा सकते हैं। कल 12 बजे रिपीट चलेगा, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कुछ भी पूछना हो, कोई भी फरमाइश करनी हो, आप कॉल कर सकते हैं। किचन में चलेंगे और रेसिपी हम करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कंडेंस मिल्क बनाना शुरू करते हैं। कंडेंस मिल्क बना के इसको ठंडा करना होगा, वो आइसक्रीम में डालना होगा। कंडेंस मिल्क ईजी आए आई फरमाइश भी हुई, ठीक है, 2 दिन पहले शायद फरमाइश आई थी कंडेंस मिल्क बनाने की, तो मैंने कहा था कि संडे को हम बनाएंगे। इसके लिए हमने लेना है यहाँ पे 1 पाव दूध, ठीक है, ये मैं 1 कप जितना बना रहा हूँ, आप जितना बनाना चाहें आप अपने हिसाब से बना सकती हैं। दूध आपने फुल क्रीम मिल्क लेना है, पैकेट वाला लेने ज़्यादा बेस्ट है, उसमें थोड़ा अच्छा थिक बनेगा, ठीक है। जब दूध यहाँ पर गर्म होने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 पाव दूध में 1/2 कप से थोड़ा सा ऊपर चीनी डालेंगे, ठीक है, 1/2 कप से 1/4 कप कर लीजिएगा चीनी, फुल 1 कप नहीं डालना है। और अगर टेबल स्पून के हिसाब से डालते हैं तो फिर आप 7 टेबल स्पून इसमें चीनी डाल दें, ठीक है। ये कंडेंस मिल्क हमारा 8 टेबल स्पून कर लीजिएगा, हम यहाँ पे टेबल स्पून से डाल देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 खाने जा चमचा इतने मूँ विधी है खंड ऐं 1 पाउ खीर आहे, ठीक आहे, 8 खाइण जा चमचा खंड ऐं 1 पाउ खीर आहे। हिनखे हल्की बाहि ते पचाईंदासीं, हीउ ठहे पियो कंडेंस मिल्क, ठीक है। कंडेंस मिल्क कैसे बनता है, इसके लिए आपने 1 पाउ दूध लेना है और 8 खाने के चम्मच आपने चीनी डाल देनी है, और अगर 1/2 किलो दूध में बना रहे हैं तो 1/4 कप चीनी आपने उसमें डालनी है, ठीक है, 1 से 1/4 कप चीनी आपने उसमें डालनी है, और इसी तरह ही बनेगा, मेथड सेम है। मैं नॉर्मल क्वांटिटी में बना रहा हूँ जितना हमें यूज़ करना, आप ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो फिर आप उस हिसाब से डबल कर लीजिएगा, यानी 1/2 लीटर दूध और 8 खाने के चम्मच डालें तो आप 16 खाने के चम्मच उसमें चीनी डाल देंगे टेबल स्पून भर के, ठीक है। और इसको चीनी मेल्ट करके भी पीस के भी डाल सकती हैं, इसमें आप चीनी साबित भी डाल सकती हैं। इसको हल्की आंच पे पकने देंगे, साथ साथ स्पून चलाते रहेंगे जब तक ये पकता रहेगा। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी। चिकन टिक्का मसाला के लिए चिकन पानी है इसमें, ये मैं निकाल लेता हूँ बॉल से। चिकन हमने 750 ग्राम लेनी है, नॉर्मल कटिंग करनी है, बड़े टिक्के के साइज़ नहीं करने, ठीक है। चिकन टिक्का मसाला ठहे पियो ग्रेवी से गठान दो, हे चिकन जी बूटियों नंढे साइज़ में कराई छजो, ठीक है, हड्डियों भी, हड्डी वारी अगर लेग पीस आए तो उनके भी विच में कराए छजो, नंढे साइज़ में ठाहींदो तो सुठी ठहंदी। चिकन टिक्का मसाला के लिए हमने यहाँ पे चिकन लिया 750 ग्राम, यानी 3 पाव चिकन लिया, और इसमें हम डालेंगे लेमन जूस, ठीक है, लेमन जूस डालेंगे यहाँ पे हम 3 खाने के चम्मच जितना, 3 टेबल स्पून लेमन जूस इसमें डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, चिकन टिक्का मसाला रमज़ान के लिए भी बेस्ट रेसिपी, और नॉर्मल भी आप बना सकते हैं, ठीक है। 3 खाइण जा चमचा लीमे जो रस, मीडियम साइज़ जब लीमा हुआ तमाम एतिरो विझां पियो हिनमें लेमन के 3 टेबल स्पून ठही वञे, ठीक है, 3 टेबल स्पून जितना लेमन जूस डाला,
इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ साथ यहाँ पे दूध को स्पून चलाते रहेंगे और ये चीनी इसमें मिक्स होती रहेगी। पक पक के खुद ही कंडेंस मिल्क बनेगा, लेकिन इसको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। इनके छड़ो ना है, कंडेंस मिल्क ठंडो खंडन में गरी वी। अच्छा इतने से विझासी अदरक थूम जो पेस्ट, एक दो टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, लेमन जूस और अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। हड्डी वाला चिकन है, बोनलेस नहीं है। 3 खाने के चम्मच लेमन का जूस, 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और इसको आपने रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आ जाए लेमन का और अंदर तक मैरिनेशन भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। 15 मिनट छड़ो, उनका पो मसाला विझो, अदरक थूम जो पेस्ट और लीमे जो रस लगाए। हाँ असन में मसाला छाछा विधंदासी हीता नोट करे बच्चो। अब इसमें मसाले क्या क्या जाएंगे ये गौर से आपने देखने और नोट करने। इसमें हमने डालना है पिसी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच क्योंकि ग्रेवी में भी नमक जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरे का पाउडर 1 चाय का चम्मच और यहाँ पे है चाट मसाला 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच। हाँ तुम नोट कजो, वरी मैं बुधाया पो, 1 चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च, 1 चाय जो चमचो हेड, 1/2 चाय जो चमचो गरम मसालो पाउडर, 1/2 चाय जो चमचो लूण, 1 चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, 1/2 चाय जो चमचो कुटियल कारा मिर्च, 1 चाय जो चमचो पीठल दाणा, 1 चाय जो चमचो अच्छो जीरो कुटियल आए पाउडर फॉर्म में, 1 चाय जो चमचो चाट मसाला, ठीक है। ये सब मसाला इनके अंदर हलिया वा, ये सब मसाले हम डाल देंगे मैरिनेशन के लिए। और साथ ही यहाँ पे हमने कर्ड रखा हुआ है, यानी दही, दही को देखें मैंने छन्नी में रखा हुआ है, दही का पानी हमने निकाल देना है। ये दही का पानी निकल गया, 3 खाने के चम्मच दही है, ठीक है। उसको अपने छन्नी में डाल के रखना है, नीचे देखें पानी निकल गया इसका, ठीक है। हेठ जो पानी निकली हुआ है, दही ट्रे खाने जा चमचा बिल्कुल बगैर पानी जो छाणी में विझी रखो तो बिल्कुल खुश्क थी वी, ठीक है। अड़ी असंखे दही खपे, पानी वाली दही न होजन खपे, इस तरह की दही होनी चाहिए, पानी वाली दही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे येलो फूड कलर, कलर देने के लिए 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग आप डालेंगे इसमें, ठीक है। 1/2 टीस्पून जर्दे का रंग डालेंगे और इसको मैं भिजवा दूंगा ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और ये मिक्स होके आएगी तो फिर हम इसको फ्राई करने लगेंगे, ठीक है। जर्दे जो रंग विझी छोड़ो है इनमें, 1/2 चाय जो चमचो जल्दी से मिक्स करी मुख्य। अब यहाँ पर आते हैं कंडेंस मिल्क को, देखते हैं क्या करना है। मैंने हल्की आंच की हुई थी, ठीक है। अब इसमें तेज़ आंच की हुई, और इसको इस तरह चूल्हे से उठा के भी कर सकते हैं, टाइम की बचत की वजह से मैं जल्दी कर रहा हूँ, आप भले आराम आराम से बनाएं, ठीक है। चीनी पानी छोड़ रही है इसमें, चीनी का पानी ड्राई करना है हमने, फिर ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें स्पून चलाते रहें अच्छी तरह, ठीक है। खंड जो पानी इनमें खुश्क थे पियो, कंडेंस मिल्क है पो, हे असा ठाई पे आइसक्रीम में भी विझी सगोता, जेको भी मिठो ठाण चाहे उनमें विझी सगोता, मतलब खीरणी वगैरह में, फालूदे में, आइसक्रीम में, कुल्फी में ता कंडेंस मिल्क जो इस्तेमाल कंदा आयो ता पो ही पांजो पान ठाई सगोता, 12 वठंदो तो महंगो पईंदो। 1 पाव खीर आहे, इनमें 8 खाने जा चमचा खंड विधिया, ठीक है। 1 पाव दूध, 8 खाने के चम्मच चीनी डाली है, और ये इतना सस्ता बनता है, बाहर से आप इतना टिन लेंगे तो 100+ आपको मिलेगा और ये आपको सस्ता पड़ जाता है घर का बना हुआ, ठीक है। ये अभी लिक्विड है, ये थोड़ी देर में गाढ़ा होगा, तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको लगते हैं गाढ़ा होने में। मैं चूल्हा तेज़ करके इसको थोड़ा बना रहा हूँ तो ये अच्छा सा, ये देखें हमारी चिकन मिक्स होके आ गई है, मैरिनेट होके आ गई है, इस तरह चिकन टिक्के का कलर आना चाहिए, ठीक है। हे ॾिसो दही के मथा मसाला ज़बरदस्त ही मैरिनेशन थी भैया, ठीक है। इस तरह की दिखा जो, इस तरह की मैरिनेशन होगी चिकन की, और आपने 10 मिनट छोड़ देना है। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैंने आपके कबाब की तारीफ करनी थी भाई, जबरदस्त माशाल्लाह। कल जो बने थे? जी जी जी, बहुत अच्छे। मैंने सोचा कि वो थे तो वेजिटेबल के, लेकिन अगर उसमें थोड़ी श्रेड करके चिकन डाल दें तो
बिल्कुल डाल सकते हैं, चिकन भी डाल सकते हैं, चीज भी डाल सकते हैं इसमें। हाँ नहीं, वो चीज का भी ऑप्शन था ना, मुझे बहुत अच्छे लगे। हाँ बस जरा सा मुझे वो पेंसिल वाला थोड़ा सा वो नहीं लगा, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ ना, ये लकड़ी की डोई होती है ना उसके पीछे। क्या चीज? लकड़ी की डोई होती है ना, डोई। अच्छा 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 अच्छा। हाँ तो मैं उससे बना के डालती हूँ। अच्छा अच्छा। पेंसिल में बेटा लेड भी होता है और ऊपर पेंट भी होता है ना, तो थोड़ा अवॉइड करने के लिए। हाँ, सही कह रही है। हाँ तो ये लकड़ी की डोई पे इतने अच्छे बनते हैं कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा अच्छा, बारीक वाली डोई। जी बारीक डोई पे जरा सा ऑयल लगा लो और फिर उस पर बनाओ तो बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं। चलें, अच्छी बात है, ये भी आपने ऑप्शन बता दिया। हाँ अगर पेंसिल को अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसकी रेसिपी बता देना, मैंने अभी खोला है ना तो ये कंडेंस मिल्क की नहीं देखी मैं। अच्छा मैं अभी बताता हूँ, आप टीवी की तरफ जाएंगे तो मैं बताता हूँ। जरूर बेटा बेटा, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। जजाक ठीक है। इनके पचायणों पानी इनमें निकले पे, अब इसमें पानी निकल रहा है तो इसको हम पकाना शुरू करते हैं, साइड में रखते हैं। और साथ ही हम चिकन टिक्का जो मसाला बनाया है ठीक है, उसको हमने क्या करना है, फ्राइंग पैन में फ्राई करना शुरू करना है। फ्राइंग पैन लेते हैं, इसमें हम डालेंगे शारजा कुकिंग ऑयल तकरीबन 6 खाने के चम्मच, 6 टेबल स्पून बहुत है, 6 से 8 खाने के, बड़ा है पैन तो 8 खाने के चम्मच करते हैं। मैंने 6 खाने के चम्मच यहाँ पे शारजा कुकिंग ऑयल डाला है ठीक है। साथ साथ इसमें स्पून चला रहा हूँ क्योंकि इसमें बॉयलिंग आती रहेगी। तो ये अब इसमें क्या करेंगे, जो हमने चिकन मैरिनेट की हुई थी, चिकन टिक्का मैरिनेट की हुई चिकन टिक्का मसाला जी, ही सजा पीस परे परे करी ही रखा दो ठीक है, गड्ढे ना विझो, एक साथ नहीं डालिएगा। इस तरह चिकन के पीसेस आपने मैरिनेट किए हुए जो, ये आपने डालना शुरू कर देना। चिकन टिक्का मसाला लगा हुआ इसको पूरा, होममेड मसाला मैंने बताया है ठीक है। आप चाहें तो मार्केट वाला मसाला भी लगा सकते हैं जो चिकन टिक्का का मिलता है ठीक है। ये सजा पीसेस मसाले के साथ ही उठाने हैं, कोशिश करके मसाला नीचे ना रहे, मिक्स करते जाएं और इसको निकालते जाएं एक एक पीस को जी। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फैसल बेटा? क्या फैसल जी, आप फैसल बात कर रहे हैं ना? जी जी फैसल बात कर रहा हूँ, आप कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ मेरा नाम नफीस है, मैं कराची से बात कर रही हूँ जी। कैसी हैं आप? हाँ अल्लाह का शुक्र है, आपके प्रोग्राम की तारीफ कर लीजिए बेटा, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हो, बल्कि क्या मैं कहती हूँ तारीफ कम है, बस आप लोग की दुआएं चाहिए, मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग दुआ देते हैं। बेटा मुझे फरमाइश करनी है। बिल्कुल कीजिए। मुझे वो पूरी वाला सालन बनाना सिखाओ साथ। कौन सा वाला सालन? जो पूरियों के साथ मिलता है ना, आलू का सालन, आलू की तरकारी और चने का सालन जो होता है, चने का सालन ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक बनाना सिखा दूंगा ठीक है। और पूरी भी पूरी वैसी बनती नहीं जैसी बाजार से आती है। चलें ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक बनाना सिखा दूंगा ठीक है। हाँ चलिए, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अच्छा इसको हमने 5 मिनट एक साइड से पकाना है चिकन को हल्की आंच पे ठीक है, और 5 मिनट के बाद पलट के इसको दूसरी साइड से पकाना है। यहाँ पे मैं कंडेंस मिल्क को पकाना शुरू कर रहा हूँ ताकि ये भी हमारा एंड ऑफ प्रोग्राम जब हमारा एंड पे आएगा तब तक ये कंप्लीट हो जाए, तो हम इसे आइसक्रीम में डालेंगे ठीक है। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम यानी कंडेंस मिल्क के लिए हमने 1 पाव दूध लिया, फुल क्रीम मिल्क ले लें, टेट्रा पैक ले लें, और उसमें 8 खाने के चम्मच आपने चीनी डालनी है। दूध को गर्म करके 8 खाने के चम्मच चीनी डालनी है और इसको मुसलसल स्पून चलाते हुए इसका कलर खुद ब खुद देखें आप चेंज होता जा रहा है, क्रीमी कलर होता जा रहा है, और इसको छोड़ना नहीं है। मैं तो बैलेंस कर करके छोड़ा था कि अब ये छोड़ेंगे तो बॉयल होकर दूध ऊपर आ जाता है ठीक है। इस तरह आपने इसको बनाते रहना है, जब फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं, कोशिश करें ऐसे दस्ते वाला पैन हो जो पकड़ने के लिए इजी हो ठीक है। पतीले में बनाएंगे तो आप उसको हटा नहीं सकेंगे, बार बार चूल्हा हल्का करना पड़ेगा। और इसको पकाते रहेंगे, ये खुद ब खुद चीनी का पानी डिज़ोल्व होगा, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। 25 मिनट का प्रोसेस होता है इसका ठीक है। 25 मिनट में ही तैयार थी वेंदो, थोड़ो चूल्हो हल्को कयूं था, 1 पा खीर कयूं, 8 खाइण जा चमचा माहिन में खंड भी दिया, इनके मुसलसल पचाएं पियो ठीक है। स्पून हलाएं पियो, ये कंडेंस मिल्क ठहे पियो, बस स्पून चलाते रहें, ये बबल्स बनते रहेंगे, चीनी का पानी ड्राई होगा, दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, चीनी इसमें खुद ब खुद मिक्स होती जाएगी, बस बहुत एहतियात से आपने बनाना है। और ये बना के आप 1 महीने तक रख सकते हैं ठीक है, फ्रिज में रख दें, कोई ख़राब नहीं होता, 2 महीने भी रख सकते हैं, फ्रिज में पड़ा रहे बाहर ना रखा करें,
क्योंकि होममेड चीज़ें होती हैं ना तो ये जल्दी एक्सपायर होने का ख़तरा होता है, तो इसको बेस्ट है कि आप घर में बनाएं और एक महीने के अंदर अंदर इसको ख़त्म करें, फ्रिज में रख के यूज़ करें, आइसक्रीम्स में डालें, खीर में डालें, फिरनी में डालें। 5 मिनट बाद हम चिकन को पलट देंगे। जी हैदराबाद का कॉल बटूँ था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसर भाई, आप एक फरमाइश करूँ, आप पूरी कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल कीजिए। मुझे आप पल्ला सिखा देंगे? पल्ला किस तरह बनाया जाता है सिंधी में, जो पल्ला बनाते हैं ना? पल्ला मसाला? नहीं नहीं, पल्ला फिश की होती है। पल्ला यहाँ मिलती नहीं है कराची में, बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये कि उसका किस तरह आपको चाहिए, उसको फ्राई किया हुआ, जो अलमंजर? हाँ, जो फ्राई करते हैं ना मोस्टली सिंधी लोग जो फ्राई करते हैं, अलमंजर पे जो मिलता है, वो वाली रेसिपी चाहिए आपको? जी 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 जी, वो एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, मैं उसका अगर वर्बली आपको बताऊं तो आप मसाला बना लेंगी अगर मैं यहाँ पे बताऊं अभी आपको? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप टीवी की तरफ जाएं, जैसे बीच में मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका पूरा मसाला बता दूंगा, इजी तरीका वो मैं बता दूं किस तरह फ्राई करके करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा ब्रेक का टाइम आया, जब तक ये हमारी बोटियाँ जो इसमें डाली हैं चिकन टिक्का बोटी, इसको हम 5 मिनट के बाद पलट देंगे, दूसरी तब भी 5 मिनट फ्राई होती रहेगी जब तक हम ब्रेक लेंगे, और ये कंडेंस मिल्क में बना रहा हूँ। ठीक है, कंडेंस मिल्क में ठाया पियो बोटीन के 5 मिनट का पोच जरे 5 मिनट पूरा थींदा मां पलटाई छंदसि वटू तक शॉर्ट ब्रेक, जेसि ताईं वरी ही फ्राई थींदी, ब्रेक खां पोइ जो मसालो ठाहींदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका रेसिपी ठाहे पिया जा कुकिंग ऑयल सां गॾु विटामिन ए डी ऐं ख़बर पूर कोलेस्ट्रॉल ऐं ओमेगा 3 मौजूदु आहे। 1 लीटर 3 लीटर 5 लीटर में बॉटल्स अवेलेबल आहिनि। हिते मां हिन खे वरी पलटाए छॾियो। ठीक है, मैंने इसको पलट दिया था ब्रेक के दौरान। 5 मिनट आपने एक तरफ से फ्राई करना है, 5 मिनट दूसरी तरफ से फ्राई करना है। इसमें देखें टिक्के की तरह मार्क्स बन गए होंगे, कलर इसका ब्राउन सा गोल्डन शेड आ गया। ठीक है, टिक्के वांगर ही कलर थी। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 मिनट के लिए, 5 मिनट एक तरफ से फ्राई हुई हल्की आंच पे, 5 मिनट दूसरी तरफ से फ्राई हुई, अब 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे, लाइक दम पे रख देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, दम से थोड़ा ऊपर रखेंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो मॉइस्चर बनेगा, स्टीम बनेगी, वो जहाँ जहाँ चिकन थोड़ी कच्ची होगी वो स्टीम से खुद ब खुद गलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया। 5 मिनट लाइ एक पास पचायो, 5 मिनट हल्की बाहि ते बे पास पचायो, जो कलर अची वियो वो वरी इनके 5 मिनट लाइ कवर कंदासीं, हल्की बाहि ते इनके मुंह ढक लॻायो आहे, छाकाणि त हाणे इनमें स्टीम ठहंदी। जॾहिं ढक लॻाइण सां अंदरि स्टीम ठहंदी त उनखां छा थींदो, चिकन जेका आहे उहो नरम थी वेंदी। जितां जितां चिकन तव्हांखे लॻंदो थोरी कची आहे त उहो हुतां खां नरम थियणु शुरू थी वेंदी, सॉफ्ट थी वेंदी। 5 मिंट खां पोइ असां इनखे कढी वठंदासीं। ठीक है, कंडेंस मिल्क मैंने चूल्हा बंद कर दिया था, थोड़ा सा इसमें और कसर रह गई है तो हम इसे, और ये साइड से आपने उतारते जाना है, साइड में चिपकना शुरू हो रहा है तो ये आपने उतारते जाना है। ठीक है, हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल रेडी हो गया। कंसिस्टेंसी देखें इतनी होनी चाहिए क्योंकि ठंडे होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा कंडेंस मिल्क तैयार हो गया, इसको हम निकाल लेंगे बॉल में। बॉल में निकाल के इसको आपने रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है, ये और गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये 1 कप बन गया कंडेंस मिल्क हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अब इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें, और जिस पैन में आपने बनाया है इसमें चिपक जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, इस पैन को भी आपने वॉश करने का तरीका क्या है कि इसमें पानी डाल के आप पैन को बॉयल करें। ठीक है, इस पैन को आपने बॉयल करना है, बॉयल मीन्स के पानी इसमें बॉयल होगा तो जितना इसमें चिपका हुआ है ये सारा क्लियर हो जाएगा, और इसको फिर आप वॉश कर लें। ठीक है, हाँ जो पैन में चिमड़ी पियो आहे सॼो त इनखे धोइण जो छा तरीक़ो आहे कि हिन में पाणी विझी तव्हां इनखे बॉयल कंदो, जॾहिं बॉयल थींदो पाणी में त इनखे पोइ धोई वठिजो, ई सफ़ा साफ़ थी वेंदो। ईअं तव्हां धोईंदो थधो त कोन साफ़ थींदो। ठीकु आहे, इहे कंडेंस मिल्क हमारा तयारु हो गया, इसको रखते हैं साइड में यहाँ पे आइसक्रीम के सामान के साथ। अब 5 मिनट जब तक ये इस पे रहेगा तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करते हैं। ठीक है, 5 मिनट बाद चूल्हा बंद कर देंगे, और इसके लिए हम मसाला बनाते हैं। चिकन टिक्का मसाला बन रहा है तो इसके लिए हमने लेना है अगेन पतीला या पैन ले लें, इसका पानी ड्राई करते हैं क्योंकि पतीले वॉश हुए होते हैं सारे पैन तो उसमें पानी रहता है, तो ऑयल डालने से पहले इसे ड्राई कर लेता है। अब 5 मिनट हो गए, इसका कवर हटा दिया। ठीक है, फिर इसको पलटते हैं,
परफेक्ट हमारी चिकन तैयार हो गई है टिक्के की तरह। अब चूल्हा बंद कर देंगे और ये सारे पीसेस हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, ठीक है, प्लेट में निकाल के रखते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, इसी ऑयल को हम आगे यूज़ करेंगे इसमें मसाले में, ठीक है, क्योंकि इसके ऑयल में भी मसाला आया हुआ है। मेरी से चिकन टिक्का बूटी असाई तैयार थी, मैं ये सब असान कटी वठाना से एक प्लेट में, और इस ऑयल को आगे हम यूज़ करेंगे इसी के मसाले में, क्योंकि इस ऑयल के अंदर इसका फ्लेवर आ गया मसालों का सारा, ठीक है, ये ज़ाया नहीं करना है। ये 750 ग्राम है, एक किलो भी बनाएंगे तो इसी मसाले में बनाएंगे, एडिशन ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये जो ऑयल वाला मसाला है, सॉरी ऑयल जो मसाले वाला है, इसको पूरा अच्छी तरह मिक्स करें, फ्राइंग पैन में जो नीचे मसाला लगा हुआ है ये सारा ऑयल में आ जाए, ठीक है, सजो मसालो ऑयल में अच्छी बने, ये सजो मसालो मिक्स करो, जो हेठा लगल भी आए सड़ेल ना हो जाए, बस इन चीज़ों का ख्याल रखो। ये सारा आपने उतार देना है पैन में, ठीक है, अभी गर्म हो रहा है। इसमें हम क्या डालेंगे, एक बड़ा प्याज, इसको आपने कद्दूकश कर देना है प्याज को, या कूट लें या चॉपर में चला लें, बिल्कुल फाइन देखें इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। एक अदद बसर इनके, या तो उखरी मोरी में कुटी बैठो वो बसर आए, या तो चॉपर में हिलाई छोड़ो या कद्दूकश कर छोड़ो, ये विजयदास सिंह जी अंदर आई कॉल बैठू था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं रुखसाना जैदी? जी स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी की, क्योंकि आइसक्रीम अभी मैंने थोड़ी देर पहले वनीला आइसक्रीम खाई थी। अच्छा तो मुझे वैसे भी मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, पहले भी मैंने जैसे आपने पहले भी बनाई थी, मुल्फा बनाया था, बहुत कुछ बनाया था। जी जी, अभी अब स्टार्ट कर रहा हूँ, अब इस वीक से स्टार्ट, मीन्स की रमजान से पहले हम कोशिश करेंगे बहुत सारी आइसक्रीम कुल्फी वगैरह बना लें। बिल्कुल, बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी मौसम ऐसा है ना कि आइसक्रीम खाने का खुद मिल जाता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। और कैसी हैं आप, ठीक हैं, घर में सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हैं सब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, प्याज को हमने लाइट सा इधर गोल्डन करना है, ठीक है, लाइट सा ट्रांसपेरेंट गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। हिन दौरान जड़े बसर ऑयल असा विधो, हिन में एक गंढ बसर भी छड़ी, हाँ मां पल्ले मच्छी जो मसालो बुधाई तो छा, एक किलो मच्छी या डेढ़ किलो जितनी मच्छी खड़न दो, उनके जी कटिंग कर दो, कटिंग करने का उनके वॉश करी चंगी तरह छानी में रख जो, पानी खुश्क थी वने उनके फ्राई करी वो पीसिस में, चार पीसिस में भी करे सो, तो अगर पैन वो है तो पूरे जी तरीके से फ्राई करना चाहो करी वो, ठीक है, फ्राई थी वो तो है ना, तुम उन मसालो ठाई, मसाले ठाने ला तेपे एक खाण जो चमचो, ही मैं एक का डेढ़ किलो की रेसिपी बुदाया, एक खाण जो चमचो तुम्हें विझंद साबित धाणा ग्राइंडर में, एक खाण जो चमचो साबित धाणा, एक चाय जो चमचो अछो जीरो, एक चाय जो चमचो अजवाइन, ठीक है, कारा मिर्च साबित अध चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, सौंफ एक चाय जो चमचो, ठीक है, ये सब शूँ ग्राइंड कर वो, ग्राइंड कर पाउडर ठही वो, प्याले में विझो, उनमें पीठल गाढ़ा मिर्च विझो एक चाय जो चमचो, पीठल धाणा एक चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर तुम विझंद इनमें अध चाय जो चमचो, ठीक है, ये सब शूँ मिलाने का अनारदानो जो डाड़ू जहाँ बीज हूँ उनके भी पाउडर करी ब खाण जहाँ चमचा वो भी इनके अंदर भी छो, जायफल जवेती जो पाउडर हों मिलो या पान ठाई वो भी इनमें अध चाय जो चमचो मिले छो, चाट मसालो एक चाय जो चमचो मिले, सब शय के मिक्स कर छो, मिक्स करने का गरम गरम जैसे मच्छी लहंदी उनके मत मसालो तुम विझंद, उनका लेमन जूस विझी छो या गिदामड़ी जो पेस्ट हल्को सो मत विझी गरम ऑयल फ्राई थे मच्छी जो ऑयल जो गरम गरम और मत विझ तो चिमड़ी पी, ठीक है। फिश का आपने कॉल की थी कि मसाला बता दें, अल मंजर पे जो मिलती है फिश मसा, जी जी कॉल वेट वठूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो, हेलो जी, जी आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है जी, कुछ कहना चाहेंगी? कौन हो, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हमें फैसल भाई से कुछ ट्रिप लेनी थी। फैसल बात कर रहा हूँ, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, दूसरे कमरे में जाके बात करें, आपकी आवाज़ कट रही है बहुत ज्यादा। भाई हमें आपसे ये पूछना था कि हेयर फॉल बहुत होता है, मतलब बाल बहुत गिरते हैं। ओके हेलो, आप यूं करें दोबारा कॉल करें, आपकी लाइन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, मुझे आधी आधी आवाज आ रही है आपकी।
अगेन कॉल चाहिए उस कर। अच्छा फिश का मसाला बता रहा हूँ, 1 किलो से 1.5 किलो जितना पल्ला मच्छी आपने कॉल की थी, उर्दू में हुई ना कॉलर, जो पल्ले मच्छी चाहिए हो जी, उसके लिए आपने मछली को वॉश करना है, नमक ला के पहले रखना है, फिर आपने वॉश करना है, वॉश करके स्ट्रेनर में डाल दें छन्नी में ताकि उसका पानी निकल जाए। उसके बाद आप पीसेज में 4 पीस में 6 पीस में जिस तरह ये साबित फ्राई करती हैं, जब आप फ्राई करेंगी उससे पहले आपने मसाला बना के रखना है 1 खाने का चम्मच में, 1 से 1.5 किलो फिश का बता रहा हूँ, 1 खाने का चम्मच साबित धनिया ग्राइंडर में डालेंगी, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, ठीक है, ये चीज़ें डालेंगी और सौंफ डालेंगी इसमें 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इन सब चीज़ों को आपने ग्राइंड कर देना है और अजवाइन ले लीजिएगा 1/2 टीस्पून से थोड़ी ऊपर 1/4 चाय का चम्मच जितनी अजवाइन, ये सब चीज़ें ग्राइंड करके आपने बाउल में निकाल देनी, फिर उसमें 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और जायफल जावित्री का पाउडर होगा आपके पास या मार्केट से ले लें, या जायफल जावित्री को पीस के आपने 1/2 टीस्पून उसमें मिला देना है। अनारदाना ले लें, अनारदाना भी साथ ही साबित मसालों के साथ ग्राइंड कर लीजिएगा 1.5 से 2 खाने के चम्मच जितना अनारदाना, ये सब मसाले फिर मिक्स करेंगे, सॉल्ट डाल दें 1/2 टीस्पून जितना और काला नमक 1/2 टीस्पून डालें और सादा नमक जो हम यूज़ करते हैं वो 1/2 टीस्पून डालें, इसको अच्छी तरह मसाले को मिक्स करें। फिश जब आपकी फ्राई होगी, गरम गरम फिश निकाल के आपने प्लेट में रखी, उसके ऊपर फौरन मसाला ऊपर से डालें पूरी फिश पे, और उसके बाद आपने लेमन जूस डाल दें उसके ऊपर, ठीक है, गरम गरम फिश पे लेमन जूस डाल दें या इमली का पल्प थोड़ा सा डाल दें फैला के, और जो जिस ऑयल में आपने फ़िश फ्राई की उस ऑयल को तेज़ आंच पे गरम करके गरम गरम उसी वक्त आपने ऑयल डालना है, तब मसाला जो है वो फिश पे चिपक जाएगा, ठीक है, खटाई और वो सब बैलेंस हो जाएगा, फिर आप उसको सर्व करें। ये वहाँ पे अलमंजर पे जिस तरह बनती है उस तरह की मैं बता रहा हूँ जामशोर वाली फिश। अच्छा बसर हिते असांजो बिल्कुल लाइट सो ट्रांसपेरेंसी अच्छी हुई है, लाइट सा गोल्डन हो गया प्याज, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, अदरक थूम जो पेस्ट 1 खाने का चम्मच, क्योंकि हमने तिक्के में भी मसाले में डाला था अदरक लहसुन का पेस्ट, तो यहाँ पे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, चूल्हा मैंने अब तेज़ कर दिया, ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हल्का सा भूनेंगे, फिर यहाँ पे 2 अदद टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, उसको आप ग्राइंड कर लें या उसको आप बिल्कुल फाइन चॉप कर लें, ठीक है, 2 अदद टमाटर हैं, 2 अदद टमाटा हैं, टमाटर हिनमें विझी छॾंदासीं, सफ़ा बारीक चॉप करे छॾिजो या ग्राइंड करे छॾिजो, टमाटर विझी इनके थोरो बटर मिंट पचाईंदासीं, टमाटर जो पाणी खुश्क थींदो, हिते हिन में मसाला छा वेंदा। अब इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे ये नोट कीजिएगा, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1/2 चाय का चम्मच, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1/2 चाय का चम्मच, और ये है ज़ीरा कुटा हुआ पाउडर फॉर्म में 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, और ये है गरम मसाला 1/2 चाय का चम्मच, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, चाट मसाला 1/2 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/2 चाय का चम्मच। हाँ तुम नोट कजो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चम्मचो, चाट मसालो 1 चाय जो चम्मचो, अच्छो ज़ीरो 1 चाय जो चाट मसालो 1/2 चाय जो चम्मचो, अच्छो ज़ीरो पाउडर करे विझिजो 1 चाय जो चम्मचो, पीठल धाणा 1 चाय जो चम्मचो, लूण 1/2 चाय जो चम्मचो, हेड 1 चाय जो चम्मचो, गाढ़ा मिर्च पीठल 1 चाय जो चम्मचो, और गरम मसालो पाउडर 1/2 चाय जो चम्मचो, ठीक है। अब ये सारे मसाले इसके अंदर चले जाएंगे, सारे मसाले डाले और पानी रखेंगे साथ हल्का हल्का, 1-1, 2-2 टेबल स्पून जितना पानी का हमने इसमें छींटा देना है, क्योंकि मसाला आपका जलना नहीं चाहिए ग्रेवी में। 1 टेबल स्पून पानी डाला, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 टेबल स्पून पानी जाएगा, जब तक मसाले का ऑयल ऊपर निकल के ना आएगा तब तक हम इसको भूनते रहेंगे, ठीक है। पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चम्मचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चम्मचो, लूण 1/2 चाय जो चम्मचो, गरम मसालो पाउडर 1/2 चाय जो चम्मचो, चाट मसालो 1/2 चाय जो चम्मचो, हेड 1 चाय जो चम्मचो, और अच्छे ज़ीरे जो पाउडर हमें विधो है 1 चाय जो चम्मचो, ठीक है। अच्छी तरह मसाला भुनाई करें, मसाला बिल्कुल ऑयल निकल के ऊपर आने लगे, टमाटर बिल्कुल इसमें आप देखें, अब फिर 1 टेबल स्पून पानी डालूंगा, इस तरह आपने पानी इसमें ऐड करना है, ठीक है। ग्रेवी ज़्यादा हमने नहीं बनानी है, ये बहुत मज़े की रेसिपी है, वाइट राइस के साथ खाएं, इसको आप पराठे के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगी, रमज़ान में ये आपको रेसिपी काम आएगी, इस तरह की रेसिपीज़ नोट करते जाएं रमज़ान के लिए। फिर इसमें 1 टेबल स्पून पानी डालेंगे, तकरीबन 4 टेबल स्पून पानी इसमें ऑलमोस्ट गया है, 4 खाने चम्मच पानी भी। अब जो हमने चिकन फ्राई करके रखा था चिकन टिक्का, ये चिकन टिक्का मसाला के अंदर ये चिकन हमारा चला जाएगा, ठीक है, पूरा चिकन इसमें ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे,
कराची से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें मेहरबानी करके, लाइन ड्रॉप ना हो जाए आपकी। जी जी, मुझे ये कहना था क्या ना, आप वो मालपूरा बनाना सिखा दें। मालपूरा ठीक है, मैं बनाना सिखा दूंगा, थोड़ा वेट कीजिएगा जी। अच्छा, और ये नहीं रेसिपी कार्ड आप दिखा दिया करें ना तो। असल में पता है क्या, मैं आपको बताऊं, देखें सिंधी चैनल है ठीक है, रेसिपी कार्ड अगर चलेगा तो जस्ट सिंधी में चलेगा, वो फिर सबको परेशानी होगी, तो इस वजह से मैं बार बार रिपीट करा रहा होता हूँ, क्योंकि दो लैंग्वेज में हम नहीं चला सकते रेसिपी कार्ड ना। अच्छा, तो इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। बता देना, नहीं बनेगा मुझे पता है ना, इसीलिए मैं बार बार उर्दू में और सिंधी में रिपीट करा रहा होता हूँ ताकि आप लोग इजीली लिख सकें। ठीक है, इस तरह समझ में नहीं आता ना। और ये रिपीट कब होगा ये प्रोग्राम? कल 12 बजे रिपीट, दूसरे दिन 12 बजे दिन में रिपीट होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, चले दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम अदीला है। ओके, YouTube पे भी आप देख सकती हैं, YouTube पे हमारा चैनल है सिंध टीवी HD कुकिंग शो। ठीक है, या कुकिंग विद फैसल भी सर्च कर सकती हैं, इजी वे में आपको सिंध टीवी कुकिंग विद फैसल भी आपको मिल जाएगा। अब मसाले में चिकन डालने के बाद मैंने इसको मिक्स किया, अब मैं इसमें कितना पानी डाल रहा हूँ, सिर्फ 6 खाने के चम्मच। ठीक है, चिकन जडे विझण का पो इनके अंदर 6 खाने का चमचा पानी वरी विझी छोड़ा, 6 टेबल स्पून पानी फिर डाल दिया मैंने, पानी डाल के इसको मिक्स किया। अब यहाँ पे हमने हरी मिर्चें लेनी है, 3-4 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें। ठीक है, ये भी ऑप्शनल हैं, अगर डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, ना डालें नहीं पसंद हो। लंबाई में इस तरह कट करके 3 अदद मिर्चें डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, फीकी होनी चाहिए मिर्चें, क्योंकि अगर मिर्चें स्पाइसी होंगी तो फिर आपकी रेसिपी स्पाइसी हो जाएगी। ठीक है, बस 3 काफ़ी है, मैंने 3 मिर्चें डाल दी और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, दम पे होगा, उसके बाद इसको निकाल के हरा धनिया डाल के इसको सर्व कर लेंगे। रेसिपी मैं पूरी रिपीट करा रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, चिकन टिक्का मसाला बन रहा है। ठीक है, चिकन टिक्के के लिए हमने 3 पाव चिकन लिया, नॉर्मल साइज़ की, जैसे हम सालन के लिए कटिंग कराते हैं वैसी कटिंग करा लें। ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक के बाद आकर रेसिपी हम रिपीट कराऊंगा और हम आइसक्रीम बनाएंगे जो हमारी है स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, कहीं नहीं जाएगा, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, बट हूँ तक शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक का पहुंचे आइसक्रीम ठाई जैसे। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हां सां मुंहिंजे घर रेसिपी ठाहे पई, हुनखे हाणे असां तो कोयले जो स्मोक ॾींदासीं। ठीकु आहे, अब हम कोयले का स्मोक देंगे, यहाँ पे मैंने कोयला गरम किया, क्योंकि टिक्का मसाला है तो इसमें हमने रखना है एक एल्युमिनियम फॉइल या रोटी का पीस रख दें, ब्रेड का स्लाइस रख दें, प्याज रख दें, कोई भी ऐसा रख के अंदर हमने इसमें कोयला रख दिया। कोयला रखने के बाद हाथ पे ढक्कन रखें, एक ड्रॉप हमने इसके ऊपर डाल दिया कोयले के ऊपर धुआं बनने के लिए, इसको आपने कवर कर दिया ताकि इसके अंदर स्मोक बन जाए। ठीक है, बारबेक्यू का स्मोक बनेगा इसके अंदर, फिर हम इसे डिश आउट कर देंगे। ठीक है, बारबेक्यू जो स्मोक टाइप हाँ इतने असं ठाईदी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के लिए हमने क्या क्या लेना है, ब्लेंडर लेना है, जग में आपने डालनी है 1 पाव स्ट्रॉबेरी। ठीक है, 1 पाव स्ट्रॉबेरी वॉश करके उसको क्यूब्स में कटिंग करके आपने डालना है, 300 ग्राम तक भी ले सकते हैं, 1 पाव होती है 250 ग्राम, हम 300 ग्राम भी ले सकते हैं। इसमें स्ट्रॉबेरी डाल दी, स्ट्रॉबेरी डालने के बाद जो कंडेंस मिल्क मैंने बनाया था, ठीक है, ये हम इसमें डाल देंगे ठंडा करके। ठीक है, कंडेंस मिल्क इसके अंदर जाएगा, पूरा डाल देते हैं, हाँ सही है, कंडेंस मिल्क डाल दिया जो मैंने बनाया था। ठीक है, कंडेंस मिल्क डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 पैकेट फ्रेश क्रीम, 2 पैकेट फ्रेश क्रीम, 1 पाव हमने स्ट्रॉबेरी डाली, कोई दूध नहीं है, कोई अंडा नहीं है, कोई कॉर्नफ्लोर नहीं है, बिल्कुल सिंपल और ज़बरदस्त किस्म की आइसक्रीम बनेगी। ठीक है, बड़ी क्रीमी सी और बड़ी टेस्टी बनेगी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आए हो? अल्लाह जो शुक्र था, बुधायो छा लाइन। हाँ, खैर है। कुछ पूछना?
फरमाइश था एडी सुठी सुठी सब कुछ ठाहियो था जो अच्छा मुख्य तव्हांजी आवाज़ सां सां ॻाल्हाइणो हो बेटा हलो महिरबानी तमामु घणी पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखिजो ठीकु आहे थैंक यू ठीकु आहे ये देखियो ज़बरदस्त हमारा इसमें स्मोक आ गया ठीक है स्मोक दिया है स्मोक देने से क्या होता है टिक्के का फ्लेवर आएगा इसके अंदर अगर नहीं पसंदि तो आप ना दें धूनी ॾियण खां छा थींदो हिन में तव्हांखे तिके जो फ्लेवर ईंदो बिल्कुलु ठीकु आहे मसाले में ऐं हीअ आहे तक़रीबन 4-5 माण्हू आराम सां खाई सघनि था हेतिरी क्वांटिटी में ठहे थो 750 ग्राम ऐं अगरि 1 किलो ठाहींदो त मसाला साॻिया रखिजो वधाइजो न का बि शइ न वधाइजो 1 किलो ताईं बि ई मसालो रहंदो ठीकु आहे 1 किलो तक बि अगरि आप बनाईंदी त यही मसाला रहेगा मसाला बढ़ाने की ग्रेवी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है चिकन बस आपने बढ़ा देनी बाक़ी हर स्पाइसिस और हर चीज़ आपकी यही रहेगी ठीक है और शारजा कुकिंग ऑयल के साथ बनाते हैं मज़ेदार ये खाने बनते हैं फ्लेवर वाइज भी ज़बरदस्त होते हैं इस वजह से क्योंकि हम शारजा कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं साथ साथ इसको क्लियर करेंगे फिर हम आइसक्रीम को ब्लेंड करके जार में निकाल देंगे ठीक है इसके ऊपर सिर्फ हरा धनिया डालना है अदरक वगैरह कोई ऐसी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है कि कढ़ाई की तरह आप इसको सर्व ना करें जी मिसेस नईम है हैदराबाद से अस्सलाम वालेकुम वाले सलाम सर ये पूछ रहे थे आपने अभी क्या बनाया चिकन का मैंने अभी टीवी खोला मुझे चिकन टिक्का मसाला बनाया लाइक ग्रेवी की तरह है ना चिकन टिक्का मसाला कल 12 बजे देख लीजिएगा रिपीट कराएंगे अभी तो टाइम बिल्कुल एंड पे जा रहा है कल 12 बजे रिपीट में देख लीजिएगा दिन में ठीक है अच्छा मुझे एक फरमाइश भी करनी थी बिल्कुल कीजिए मूंग की दाल का हलवा बनाना अच्छा ठीक है मैं बनाना सिखा दूंगा ठीक है मुझे फिर एक दिन पहले बताइए मैं एक दिन पहले बता दूंगा इंशाल्लाह ठीक है थैंक यू अल्लाह अब इसको हम ब्लेंड करेंगे देखें साइड में जैसे क्रीम रह जाती है ना तो इसको हल्का सा साइडों से एक दफा यूं घुमा लें साइडर में अगर क्रीम रहजी थी उन्हें एक दफ़ा घुमाई चाचो एक दफ़ा स्पून सा ठीक है एक दफ़ा घुमा के फिर चलाएंगे इसको 2 मिनट और फिर इसको एयर टाइट जार में डाल के आपने फ्रीज़र में रख देना ये हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई फ्रीज़र में आपने इसको 12 घंटे से 18 घंटे तक रखना है ठीक है डिपेंड करता है आपका फ्रीज़र कैसा है और फिर उसके बाद आप इसको निकाल के आराम से खाएं ये देखें हमारी आइसक्रीम हो गई सर तैयार पूरी 1 लीटर का बॉक्स है ये 1 लीटर बनी है ठीक है 1 लीटर ठही थी वने ही आइसक्रीम जेतरी क्वांटिटी में असां ठाही है 1 लीटर जो बॉक्स आए ऐं जॾहिं बि तव्हां आइसक्रीम कंहिं दॿे में विझंदा आहियो त हू दॿे में सालन न हुजे बोड़ वारो दॿो न हुजे बिल्कुलु फ्रेश मिठे जे लाइ हमेशह फ्रेश दॿो रखंदा कयो सालन जंहिंमें असां विझी फ्रीज़ कंदा आहियूं हू दॿा यूज़ न कंदा कयूं जीअं स्मेल अची थी वञे ठीकु है जब भी आप मीठा बनाते हैं या कोई भी चीज़ फ्रीज़ करते हैं सालन वग़ैरह तो उस बॉक्स में ना करें आइसक्रीम के लिए अलग ले लें वरना डिस्पोजेबल भी मिलते हैं 20-20 रुपये के बॉक्स मिलते हैं आप वो ले लें क्योंकि सालन वाले बॉक्स में फिर वो मज़ा नहीं आता ये हमारी आइसक्रीम तैयार हो गई है टेबल पे चलते हैं चीज़ें रखते हैं कल देखिएगा रिपीट में अगर कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो ठीक है बिल्कुल इजी हमारी ये बन गई हैं रेसिपीज़ चिकन टिक्का मसाला और उसके साथ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ठीक है ये इसका लिड इसकी कवर जो है ये आपने लगा देना है अभी हम नहीं लगा रहे आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट क्या है और ये कल 12 बजे रिपीट चलेगा स्क्रीन पे नंबर चल रहा है कोई भी फरमाइश करनी हो कुछ भी पूछना पूछ सकते हैं अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीक नई रेसिपीज़ और आइसक्रीम और कुल्फीज़ हर वीक बनाते रहेंगे बहुत सारे फ्रूट्स की आइसक्रीम डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसक्रीम इंशाल्लाह बनाना शुरू करूँगा नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी दुआ में याद रखिएगा और कुकिंग विद शेफ एस मेरा पेज है फेसबुक पर वहाँ पर आपको मैसेजेस भी कर सकती हैं इनबॉक्स में कोई भी चीज़ पूछनी है मुझे मैसेज करके पूछ सकती हैं मैं वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ मेरे पास हर वक्त होता है फ़ोन में तो मैं देखता रहता हूँ पेज अपना ठीक है इंशाल्लाह मथे हफ्ते मुलाकात थी नई रेसिपी इन सकता सुबह 12 बजे रिपीट हलो कुकिंग विद शेफ एस मुझे पेज है फेसबुक से उतर रेसिपी अपलोड थी आइसक्रीम की काफ़ी सारी वैरायटी है मथे हफ्ते खटाइण शुरू कंदासीं रमज़ान का पहिरीं कंप्लीट कंदासीं पंजो खोड़ सारो ख्याल रखिजो दुआ में अदरक जो लाफ़
हाने कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो एचडी क्वालिटी में विजिट करियो असान जो यूट्यूब चैनल सिन टीवी एचडी कुकिंग शो।